हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 4C क्लास 10th का करने जा रहे हैं, जो नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड है। तो दोस्तों, इसमें कुछ फॉर्मूले थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि डी का वैल्यू दोस्तों ग्रेटर देन 0 होगा तो उसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा? रियल एंड अनइक्वल होगा, या रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, तो रियल एंड अनइक्वल भी कहेगा तो हम लोग डी इज ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे, और रियल एंड डिस्टिंक्ट भी कहेगा तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, सिर्फ रियल का बात करेगा कि रूट्स रियल है, इसका मतलब होगा दोस्तों डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब रूट्स क्या है? रियल है। थर्ड में दोस्तों, डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? रियल एंड इक्वल होगा। और लास्ट है दोस्तों फोर्थ में, कि डी इज लेस देन 0, डी इज लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया कि नो रियल रूट्स हो गया। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूले दोस्तों आपको याद रखना है, और इससे रिलेटेड दोस्तों हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4C में क्वेश्चन किस किस तरह के दिए हुए हैं। देखिए, इसका पहला पार्ट हम लोगों को दोस्तों दिया गया है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसका हम लोगों को नेचर ऑफ रूट्स बताना है कि कैसा होगा। पहले यहाँ पर लिखिए कि हियर ए इक्वल टू, बताइए ए क्या है? एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यानी कि 2। बी कितना है दोस्तों? एक्स का कोएफिशिएंट यानी कि -8। सी कितना है? 5। तो पहला काम दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो लिखेंगे वी नो दैट डी इक्वल टू क्या होता है, बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4AC, क्योंकि हम लोग 4 भी कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे, तो डी इक्वल टू बी, बी का वैल्यू कितना है? -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू सी 5। ठीक है दोस्तों, देखिए -8 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो गया? माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 8 का स्क्वायर 64। माइनस, देखिए 4 2 8, 8 5 40 हो गया, इसका रूट्स कितना हो गया दोस्तों? 24। तो लिखेंगे d इक्वल टू आ गया हम लोगों को 24। अब बताइए कि ये क्या है, 24 क्या है? 0 से बड़ा है कि छोटा है, बताइए? बड़ा है, यहाँ पर लिखेंगे सिंस d इज ग्रेटर देन 0, देयर फोर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होता है, देखिए ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होता है? रियल एंड अनइक्वल होता है। तो इसका दोस्तों आंसर होगा। अब इसका हम दोस्तों सेकंड पार्ट देखेंगे। देखिए सेकंड पार्ट इसका ये दिया गया है, तो यहाँ पर लिखिए पहले कि ए इक्वल टू कितना है? 3 है। बी कितना है? -2√6 है। सी कितना है? 2 है। लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो डी इक्वल टू बी का स्क्वायर, बी है -2√6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 3 इंटू सी 2। आगे देखिए, देखिए माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √6 का स्क्वायर 6, माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 माइनस 24। तो बताइए, तो कैंसिल होके कितना आ गया? 0 आ गया। तो डी का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया, तो डी इक्वल टू 0। अब बताइए डी इक्वल टू 0 के लिए क्या था? यहाँ पर देखिए डी इक्वल टू 0 के लिए क्या है? रियल एंड इक्वल है। आप लिखेंगे देयर फोर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, और इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। देखिए थर्ड पार्ट हम लोग ये दिया गया, 5x² माइनस 4x+1 दिया गया है। तो यहाँ पर लिखिए हियर ए इक्वल टू कितना, बताइए? 5x का कोफिशेंट क्या होता है? ए होता है। बी क्या होता है? एक्स का कोफिशेंट यानी कि -5। एंड सी कितना है? 1। यहाँ पर लिखिए पहले वी नो दैट डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो यहाँ पर देखिए डी इक्वल टू बी का स्क्वायर, बी कितना है? -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 5 इंटू सी। तो डी इक्वल टू हो गया, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? +25 हो जाएगा, -20। अब देखिए डी का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया? 5 आ गया,
डी का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। 25 माइनस 20 कितना हो गया, 5 हो गया। तो देखेंगे सिंस डी इज ग्रेटर देन 0, जीरो से यदि बड़ा होगा रूट्स, डी का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, रियल एंड यहाँ पर देखिए दोस्तों थोड़ा गलती हो गया है। देखिए बी का वैल्यू दोस्तों कितना है, -4 है, इसको तो सही कर लीजिए, -4 है, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, -4 × 5 इंटू इतना, ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसको तो सही कर लीजिएगा दोस्तों, 16 में से 20 का तो कितना हो गया, -4। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, डी जो है लेस देन 0 हो गया, तो सही कर लीजिएगा, ए का वैल्यू कितना था 5, बी का वैल्यू कितना -4, सी का वैल्यू 1। डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर -4ac, यानी -4 का स्क्वायर, -4 × a कितना 5 × c कितना 1, ये हो गया -4 का स्क्वायर 16 - 20, यानी कि -4 हो गया। तो डी लेस देन 0 इसका मतलब हो गया कि रूट्स आर इसको ऐसे लिखिए, नो रियल रूट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। ओके तो इसका दोस्तों आंसर हो गया थर्ड पार्ट का, इसको तो सही कर लीजिएगा प्लीज़। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे फोर्थ। देखिए इसका फोर्थ पार्ट हम लोग ये दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 5x² माइनस ये हो जाएगा 10x + 6 = 0। यहाँ पर लिखिए हियर ए इक्वल टू कितना है 5, बी का वैल्यू कितना है -10 एंड सी इक्वल टू कितना है 6 है। लिखेंगे वी नो दैट डी इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac। आगे देखिए तो डी इक्वल टू बी का स्क्वायर यानी कि -10 का होल स्क्वायर -4 × a, 5 × c कितना 6। ये देखिए -10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 -4 × 5 = 20, 20 × 6 कितना हो गया -120। इसका वैल्यू दोस्तों क्या आ गया, -20 आ गया। डी का वैल्यू कितना है दोस्तों, -20 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, डी लेस देन 0, देखिए सिंस डी लेस देन 0 देयरफॉर नो रियल रूट्स इसका आंसर हो गया। आई होप दोस्तों इसका फोर्थ पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट हम लोग ये दिया गया 12x² -4√15x + 5 दिया गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखिए पहले हियर ए इक्वल टू कितना है 12, बी कितना है, एक्स का ऑप्शन कितना है बताइए -4√15 एंड सी इक्वल टू कितना है 5। ओके तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट डी इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac। वैल्यू रखिए यहाँ पे डी इक्वल टू बी, बी कितना है -4√15 का होल स्क्वायर -4 × a कितना 12 × c कितना 5। आगे देखिए डी इक्वल टू देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, √15 का स्क्वायर कितना हो गया 15 हो जाएगा माइनस, देखिए ये हो जाएगा 12 × 5 = 60, 16 × 4 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे 16 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे ।240 हो जाएगा, माइनस ये भी 240, तो कैंसिल हो गया कितना आ गया 0। तो डी का वैल्यू किसके इक्वल आ गया दोस्तों, 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि रूट्स रियल एंड इक्वल होगा। लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस डी इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। ठीक है अब इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। देखिए इसका सिक्स्थ पार्ट हम लोग ये दिया गया x² - x + 2 = 0। तो यहाँ x² का ऑप्शन कुछ नहीं, तो यहाँ पहले हम लोग 1 पुट कर देंगे। लिखेंगे हियर
ए इक्वल टू कितना है 1, बी कितना है यहाँ भी नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए, माइनस 1, सी कितना है दोस्तों 2 है। ओके यहाँ लिखेंगे वी नो दैट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके तो यहाँ पुट कीजिए डी इक्वल टू बी यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी कितना 2। अब देखिए यहाँ पर डी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8, तो डी का वैल्यू कितना आ गया माइनस 7। तो माइनस 7 का मतलब क्या होगा, डी का वैल्यू क्या निगेटिव है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस डी लेस देन 0, ठीक है, देयर फोर इसका नेचर कैसा हो जाएगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, तो इसका आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट का सारा पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर, क्या कह रहा है कि ए एंड बी जो है अलग अलग ये दो नंबर है, देन सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स। तब कह रहा है कि ए और बी डिफरेंट नंबर यदि होंगे तो उसके लिए कह रहा है कि रूट्स ऑफ ये जो इक्वेशन हम लोगों को दिया गया है उसका रूट्स ऑफ नेचर कैसा होगा दोस्तों, नो रियल रूट्स होगा, यानी कि हम लोग को शो करना है किसका वैल्यू डी लेस देन 0 यानी कि निगेटिव होना चाहिए। ठीक है तो यहाँ पहले लिखिए गिवन इक्वेशन, लिखिए पहले गिवन इक्वेशन, देखिए क्या दिया गया हम लोग को, यहाँ पर लिखेंगे 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू मैक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए प्लस बी इंटू मैक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके अब यहाँ पर लिखिए हियर ए कितना है बताइए, ए है हम लोगों को एक्स स्क्वायर का ऑप्शन यानी कि 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 2 टाइम्स ए प्लस बी एंड सी कितना है यहाँ पर 1 है। ओके अब यहाँ पर डी निकालिए, देखिए तो डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो लिखेंगे वी नो दैट डी इक्वल टू क्या होता है बताइए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इक्वल टू बी यानी कि 2 टाइम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए क्या आता है, तो हो जाएगा डी इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 8 यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 4 2 8 इंटू 1 तो 8 ही हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको, डी इक्वल टू 4 यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 8 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए 4 से इसको मल्टीप्लाई करें 4a² प्लस 4b² प्लस 8ab माइनस 8 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8a² माइनस 8b². आगे देखिए d इक्वल टू यहाँ देखिए 4a² में से 8a² गया कितना हो जाएगा बताइए माइनस 4a², 4b² में से 8b² गया कितना हो जाएगा माइनस 4b² प्लस 8ab। देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो डी इक्वल टू यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 4 यहाँ से हम लोग कॉमन लिया थे, यहाँ पर कितना बचा 2ab। देखिए यहाँ पर तो आया क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पर डी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पर कह रहा है कि स्क्वायर, देखिए ए और बी जो है यानी डिफरेंट नंबर है, इसका शो करना है कि इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा दोस्तों, नो रियल रूट्स होगा। ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों ए की जगह कुछ भी रख लीजिए बी की जगह कुछ भी रखिए, तो देखिए स्क्वायर के फॉर्म में तो हमेशा इसका वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। चाहे आप यहाँ पर चेक भी कर सकते, देखिए मान लीजिए कि पुट ए इक्वल टू मान लेते हैं माइनस 1 पुट करते हैं, ठीक है, और बी इक्वल टू मान लेते हैं 3 पुट करते हैं, डिफरेंट नंबर है तो यहाँ पर रखिए, तो क्या हो जाएगा बताइए माइनस 1 एक जगह माइनस 1
और बी की जगह कितना हो, माइनस तो ये एजिटी रहेगा, बी की जगह कितना कितना है दोस्तों, थ्री है, होल स्क्वायर तो कितना होगा माइनस फोर का स्क्वायर, ओके तो क्या हो जाएगा सिक्सटीन, तो पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव। देखिए तो डी हमेशा जो होगा ना क्या हो जाएगा लेस देन जीरो ही आएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव ही, तो डी लेस देन जीरो, डी लेस देन आएगा जीरो तो इसका मतलब क्या हो गया कि रूट्स कैसा होगा दोस्तों, नॉन रियल रूट्स होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर नो रियल रूट्स, तो यही हम लोग दोस्तों प्रूफ करना था, शो करना था। आई होप दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है दोस्तों, इतने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। उसका थर्ड नंबर देखिए दोस्तों, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर आर रियल फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, कह रहा है कि पी एंड क्यू के हर रियल वैल्यू के लिए इसका रूट्स दोस्तों क्या होगा रियल होगा, मतलब पी एंड क्यू के हर वैल्यू के लिए इसका रूट्स जो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे लिखिए पहले गिवन इक्वेशन लिखिए, यहाँ पे गिवन इक्वेशन क्या दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या है जीरो है, तो यहाँ पे नहीं कुछ है एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे वन लिख लीजिए, लिखेंगे हियर ए इक्वल टू कितना है वन, बी इक्वल टू कितना है पी, एंड सी इक्वल टू कितना है माइनस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। आगे देखिए तो ये डी इक्वल टू बी स्क्वायर, बी कितना है दोस्तों पी का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए वन इंटू सी माइनस क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर क्यू स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो डी इक्वल टू यहाँ पे क्या है पी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये स्क्वायर के फॉर्मेट पे है, यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर है, ये तो पॉजिटिव है, ये होल स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि हमेशा पॉजिटिव होगा। तो देखिए ये भी हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में, ये भी दोस्तों हो जाएगा पॉजिटिव, फोर तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में तो पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही आ जाएगा। लिखेंगे सिंस डी इज ग्रेटर देन जीरो देयरफॉर रूट्स आर रियल फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का कोई भी दोस्तों यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पुट कीजिएगा इसका वैल्यू क्या आएगा हमेशा इसका रियल ही आएगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। ओके आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।